अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उशा अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, डबलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मंदिर है। मंदिर के चेयरमैन पर इल्ज़ाम है कि वो मंदिर में गाये थे और वो गायों को एक खसाब को बेच दिया, जिसके बाद अखिल भारतीय गौ सेना फाउंडेशन की जानिब से कंप्लेंट दिया गया और कंप्लेंट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किया। नाज़रीन, हम यहाँ पर वाज़ेह कर दें कि जो गाय को लेकर सारे मुल्क में एक अलग किस्म की बहस चलती है और वहीं पर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए जाते हैं, और आज देखने को मिला कि इसी मंदिर के चेयरमैन ने वो गायों को खसाब को बेच दिया। यानी कहीं ना कहीं ये एक वहम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद इसमें इतने परेशान हैं ये लोग कि ये अपनी परेशानी दूसरे कम्युनिटी को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से लगातार एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वहीं पर इन्हीं के लोगों में ये साबित कर दिया ये गायों को बेचकर कि गायों का कोई ऐसा मसला नहीं, सिर्फ इसको सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बात सच्ची हो गई है। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सियासत ना करें और किसी भी कोई भी कम्युनिटी को इल्ज़ाम ना दें। पहले खुद के गिलेमान में झांक कर देख लें कि वो कितने सही हैं, इसके बाद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं। बहरहाल, पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया और फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। देखते हैं रिपोर्ट। जय गो माता। हम अखिल भारतीय गौ सेवा फाउंडेशन से यहाँ पे नल्लपोचम्मा के मंदिर में ये कोमटवाड़े में मार्च 8 तारीख यहाँ पे 3 गाय माता रहते थे। 9 तारीख के दिन सुबह में आके देखा तो 3 गाय माता में एक गाय को यहाँ के मंदिर के चेयरमैन दामर शेट्टी प्रेम कुमार और इडला महेंद्र ने ये गाय को कसाई को बेच दिया गया है। जहाँ गाय को रोज़ पूजा करते वो गाय को बगैर इंटीमेशन उन्होंने ये यहाँ पे मंदिर कमेटियों को किसी को भी मालूम नहीं है, उन्होंने 33,000 रुपये में ये गाय को बेच दिया गया। हम लोग तकरीबन 15 दिन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए, FIR तो हो चुके, मगर आज तक भी ये प्रेम कुमार को अरेस्ट नहीं करे। उस दिन पुलिस वाले हमारे को एश्योरेंस दिए, हम लोग पूरा इंक्वायरी करे, उन्हें बेच दिए बोल के हमारे को भी मालूम हो गया, हम उनको रिमांड कर रहे बोल के तकरीबन 13 दिन से आज तक उनको कोई रिमांड भी नहीं करे। और इडला महेंद्र ये दोनों मिलके यहाँ पे ये बस्ती में जो मंदिर के प्रांगण है यहाँ पे किसी से भी उनको ताल्लुकात नहीं रखे, पूरा उन्हों होल एंड सोल मैं ही बोल के यहाँ मंदिर में भी पूरा डोमिनेशन करते हुए यहाँ पे आज गौ माता सब जने रोज़ पूजा करने। गाय जो है हर मज़हब के लोगों को एक ही तरफ के दूध दे देता है, हर मज़हब में गाय की ज़रूरत है। ऐसा गाय को एक कसाई को बेचना ये कहाँ धर्म की बात है। वो आज हम लोग इसको कल DCP करने जा रहे हैं और कमिश्नर करने जा रहे हैं, यहाँ के पूरा यूथ जो है इसमें शामिल होके हम लोग कमिश्नर को रिप्रेजेंटेटिव करके उनको किसी हाल में ये प्रेम कुमार को अरेस्ट करना, उनको रिमांड में भिजाना, ताकि कोई मंदिर में कोई मंदिर के चेयरमैन कोई मंदिर के कोई मेंबर भी ऐसा ये गाय को हम लोग गाय को बेचने का ये हिम्मत नहीं करना। जय गौ माता, जय जय गौ माता।